कभी इसके हाथ के बने हुए कोफ्ते खाना। कभी क्या मतलब जी, खाएंगे जी कोफ्ते जरूर खाएंगे। और जनाब कशीदाकारी की तो माहिर है मेरी। अच्छा जी बेटे चाय बनाओ। उठो बदबख्त, उठो बदबख्त, उठो। जब कोई लड़की या कोई औरत आती है तो खड़े हो जाते हैं। यस प्लीज आप लोग बैठिए। शुक्रिया। बेटी ये हैं हमारे नए किराएदार। सलामुअलैकुम जी। चीनी आप कितनी लेंगे? मिस चमचा, ये चमची में चमचा। एक चमची मुझे। बेटे अल्लन जी, मुझे तुमसे एक किस्म की वो हमदर्दी सी हो गई। और जी ये क्या बात करते हैं, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। बेटे इस घर को अपना ही घर समझना, कोई गैरियत तो है नहीं। जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या भी खा लें। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल रोटी भी उतराए? अरे भाई जो दिल करे वो कह देना, कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना। हाँ जी ये तो ठीक है कि जो दिल करेगा वो हम कह देंगे। मसलन मेरा आज फलूदा खाने को जी चाह रहा है। जी भाई सर तो चाय पिए ना आप। अच्छा चाय। थैंक यू बेटे। जी चाचा जी, शमशा की और भी बहनें होंगी? दो बच्चियां हैं, एक ये शमशा हैं और एक रजिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रजिया कोई और चीज लेने गई? नहीं वो कराची में अपने चाचा के पास, वो लावल हैं बेचारे शुरू से वहीं। अच्छा अच्छा, शुरू से बचपन में ही ले गए थे उसे। अच्छा उनका कारोबार है, बिजनेस है। जी जी जी, कुछ जायदाद वगैरह अल्लाह का करम। वैसे चाचा जी एक बात है जी कि देखना कि जब आपके भाई हैं जो वो फौत होंगे और उनकी बीवी भी, हाँ उनकी बीवी भी फौत होगी, तो बाकी सब जायदाद रजिया की होगी ना? मेरा ख्याल है कि वो चाय ठंडी हो रही है, आप पिए। आप भी तो पीजिए ना। लीजिए अब्बा जान। अब्बा जान यार तूने मुझे खामखा मरवा दिया। क्यों? तूने खामखा मुझे शादीशुदा जाहिर कर दिया, नहीं तो रजिया मेरे हिस्से में आ जानी थी। यार मुझे क्या पता था उस वक्त कि रजिया भी है कोई? शादी का तो तूने कह दिया था, चलो ठीक है, बीवी को छोड़ा भी जा सकता है, इधर उधर भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। नहीं मारा नहीं जा सकता, कत्ल का इल्जाम लग जाता है। हाँ, तो बच्चों का क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ यार ये बच्चों की बड़ी बुरी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ यार अलन। हाँ मैं तो ईमान से, यानी जब से मैंने ये रजिया का सुना है ना, हाँ बस ईमान से बेजा बेजा हो गई है। वो क्यों? मुझे तो ये जो रजिया नाम है ना, ये शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता था। तो रख लेगा यार? नहीं मैं अपने रखने का थोड़ा कह रहा हूँ। हाँ। वो तो मैं उसके लिए कह रहा था, अपने वो क्या कहते हैं उसको, बीवी के लिए। मैं अलन सोचा करता था ईमान से क्या मेरी बीवी के पास कुछ और हो ना हो, लेकिन ये नाम जरूर होगा। बस यार अब तो सब ही कर लेते। अच्छा हाँ ये तो है। क्या खुजली हो रही तेरे? हाँ पता नहीं क्या। बस यार सबर अब हो नहीं सकता। अब सबर कर लो बेटा। तो सबर हो नहीं सकता ना, उसके बगैर बस समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। कोई तो सूरत पैदा करना। क्या मैं सूरत पैदा करूँ? बस अब सब चुप कर दो। वो आ रही है शमशा। आ जाइए शमशा। आइए आइए आइए। मैंने आपकी सारी कमीजें इस्त्री कर दी थी। थैंक यू शमशा। जो बाकी रह गई हैं जी वो भिगो दी हैं। भिगो दी दूध में? जी दूध में। भाई कमीजें भिगो दी हैं। अच्छा अच्छा मैं समझा सवैयों के बारे में बात कर रही हैं। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की शमशा, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। नहीं नहीं इसमें तकलीफ की क्या? नहीं जी वो असल में हमारे लिए कभी किसी ने इतना कुछ किया नहीं ना जी, तो इसलिए हमें एहसास बहुत। हमारे लिए तो इतना कभी हमारी सगी माँ ने नहीं किया था जी। हाँ जितना आप कर रही हैं। अम्मी पूछ रही हैं कि रात को खाने में क्या खाएंगे आप? जी हाथों की अभी तो खा के उठे थे, आप फिर खाना चलिए। आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अलन साहब से पूछ रही हूँ। जी जी किससे पूछ रही हैं? मैं बताता हूँ, असल में आप तो सभी खाने बहुत अच्छा पकाती हैं, तो आप पका लें अपनी पसंद की कोई मुर्गी। तो मैं आज मुख्तलिफ तरीके से पकाती हूँ मुर्गी। मैं आपको बताऊँ एक तरीका, आज मुर्गी मैं परों के पका लें। आप जी शमशा जी अम्मी अल्लाह बेटे के लिए खाने के साथ शेर कोरमा भी लेके गए। अल्लाह वो तो मैं फ्रिज में रख कर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ।
आ रही है तेरे लिए। ये ख्याल रखती है तुम्हारे बेटे का? हाँ देखो मैंने कितने शौक से बनाया अपने बेटे के लिए। मैं इसका दिल नहीं कर रहा अम्मी, प्लीज शाम को खा लूंगा। नहीं बेटा, खाने के साथ थोड़ा सा मीठा जरूर खा लेना चाहिए। दिल नहीं कर रहा, चल इधर। सच्ची कर रहा हूं, इसको एक लपड़ मारेंगे तो खाएगा ये। तू चुप कर। अच्छा तुझे मेरी जान की कसम, खा ले ये। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा, बस 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 ये ले। बस अम्मी बस बस, अब नहीं, बस मेरी, बस प्लीज, बस एक मेरी तरफ। एक ये 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 अब्बू की तरह से। बस अम्मी ले। एक ये पता किसकी तरह से? शमसा की। एक और, एक और, एक दजिया की तरफ से मेरे मुंह में। ये लो। सारे घर के जूते पॉलिश करने को मैं हूं, ये खूर शोरमा खाने को तू है। ये पड़े हुए जूते, ये पड़े। अरे सुनती हो? क्या हुआ? वो भाई साहब का फोन आया था अभी, वो आ रहे हैं अभी कराची से, इसी फ्लाइट। मैंने गाड़ी भेज दी उन्हें लाने के। शुक्र है उन्हें भी फुर्सत मिली। बस अब एक नजर वो अलन को देखकर अगर हाँ कर दें तो मेरे ज़हन से बड़ा बोझ उतर जाएगा। इतने अच्छे लड़के को देखने के बाद कोई पागल ही होगा अगर हाँ ना करेगा। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, सबसे बड़ी बात यह कि उसके आगे पीछे और कोई है भी नहीं। बस ये जो नन्ना उसके साथ भला की तरह चिमटाना, ये मुझे एक आंख नहीं पाता। अजी उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, कारोबार में उनका साथ जाए। बेगम मैं सोच रहा था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं अल्लन के नाम लिख दूं, शादी के बाद दोनों मियां बीवी यहीं रहें। और वो दूसरा निगोड़ा? वो जाए जानो, मैं हमने उसको ठेका ले रखा। ठीक है, मगर अल्लन बेटे से पूछ ले, कहीं वो बुराई ना मान जाए। मैंने बात की थी उससे, पहले तो नहीं मानता था लेकिन फिर जब मैंने जोर दिया ना तो मान गया। कहने लगा कि वो चले जो पिछली एनेक्स है ना वो उसे दे देंगे। मेरा ख्याल है भाईजान आ गए। तुम ही बात छेड़ना। रजिया क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई। बाजी आप तो मुझे